किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी खबर से करते हुए, जहां पर उनके एक बयान ने सियासत को फिर से गर्मा दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। सियासी गलियारों में किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का सवाल अब भी बरकरार है और दौसा में एक बार फिर उनसे उनके इस्तीफे पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने संस्कृत में जवाब दिया, मौनम स्वीकृति लक्षणम। देखिए रिपोर्ट। संस्कृत में कहावत है मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। मौनम स्वीकृति लक्षणम यानी मौन स्वीकार्यता का लक्षण है। आखिर किरोड़ी लाल के संस्कृत में दिए गए इस बयान के मायने क्या हैं? वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं या फिर इस्तीफे वाले बयान पर फंस चुके हैं? उनसे जब भी इस्तीफे पर सवाल किया जाता है वो इसी तरह मुंह पर उंगली रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक वीडियो था जब आपने उंगली उठाकर ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और अब आप अपनी उंगली को अपने फोटो पे लगा लेते हो, मुंह पे लगा लेते हो। इसके संस्कृत में कहावत, संस्कृत में कहावत है मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। किरोड़ी लाल एक तरफ सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों के विकास का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। यानी इस्तीफे के सवाल पर मुंह पर उंगली लेकिन कृषि बजट की तैयारी कर रहे हैं। गलियारों में चर्चा है, किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में इस्तीफे की बात की थी, अब किरोड़ी लाल मीणा का क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? सर, 4.5 साल किसानों को मिलेगा आपका साथ? 4.5 साल किसानों के लिए तो सदा जीवन भर रहा है और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की, मजदूरों की, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। इस्तीफे के सवाल पर भले ही मौन धारण कर लिया हो लेकिन जयपुर में समीक्षा बैठक में ना पहुंचने के सवाल पर उन्होंने सफाई जरूर दी। डीजे कल कह रहे थे कि 1-2 दिन में एक अच्छा मैसेज देंगे जनता के बीच में और निर्णय लेंगे। सर, गलियारों में ये भी चर्चा है, किरोड़ी लाल मीणा ने 4.5 साल संघर्ष किया है तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार में रहकर जनता के हित में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार के रहने, सरकार के अंदर ही रहकर काम किया जाए। कि मैं सरकार से बाहर था तब 26 लाख बच्चे जो बीट के पेपर में बैठे थे उनका पेपर निरस्त करा दिया। मैं सरकार में होता तो भी नहीं करा। राजनीतिक गलियारे में उनके इस्तीफे पर तरह तरह की बातें हो रही है। सत्ता पक्ष जहां कुछ भी नहीं कह रहा वही विपक्ष तंज कसते हुए नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक तस्वीर राहत देने वाली है। जानवरों के प्रति किरोड़ी लाल मीणा का प्रेम जग जाहिर है, ऐसे में बिल्ली को दुलार करती उनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरें दौसा के नांगल प्यारी वास की है, जहां सोमवार सुबह किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे, तभी एक बिल्ली आई तो किरोड़ी लाल मीणा ने उस बिल्ली को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, उसके साथ काफी देर तक प्रेम जताते नजर आए। बहरहाल कई दिन बीत चुके हैं लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर शुरू हुआ सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सियासत में भले ही सुगबुगाहट हो लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का अंदाज बयां कर रहा है कि वो तनाव के दौर में भी बेफिक्रे से कम नहीं है। दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दिल्ली दौरे की। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और मुलाकात का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उनकी पीएम मोदी से पीएम आवास पर तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा सीएम भजन लाल ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्रियों हरदीप पुरी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग केंद्रीय
मंत्रियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके, इसे लेकर ऊर्जा मंत्री से उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण रही और 2 घंटे तक पीएम आवास पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रदेश को किस तरीके से विकास के रथ पर आगे ले जाया जाए, इसे लेकर भी बेहद खास चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां पर लगातार वो ये कोशिश में है, इस कोशिश को लेकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि प्रदेश को विकास के रथ पर आगे बढ़ाया जा सके। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, लोकसभा चुनाव में मिशन 25 हासिल नहीं करने के बाद अब भाजपा में कलह शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले यह खबर आपको बता दें कि करप्शन पर आखिर कॉम्प्रोमाइज क्यों, ये सवाल इसीलिए क्योंकि केंद्र हो या फिर राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। ऐसे में इन दिनों जलदाय विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोप है कि जलदाय विभाग में उन भ्रष्ट अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों को तैनात किया गया है जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं। वहीं जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भी बयान चर्चाओं में है। ये चर्चा क्यों है आप भी देखिए। सवालों के घेरे में प्रदेश का जलदाय विभाग, मलाईदार पदों पर भ्रष्ट अधिकारियों की तैनाती। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा कर कांग्रेस की नींव हिला दी थी। उनके खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सीबीआई अब तक 56 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महा घोटाले में शामिल पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कामकाज के एवज में घूसखोरी करने, सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं बरतने, फर्जीवाड़ा करने, पद का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज है वो बड़े पदों पर आज भी काम कर रहे हैं। ये दिनेश गोयल को कहां दे रखी है? मुख्यालय में बैठा, कहाँ किसे प्रोजेक्ट के काम पे दे रखे, कहाँ किस जगह? ये आपको लगता होगा प्राइम पोस्टिंग, जहाँ जहाँ पैसे खाने का होता है वहाँ पे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है इंजीनियर्स के। तो मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ। आइए अब एक नजर डालते हैं उन अधिकारियों पर जिन पर पिछली सरकार में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर ईडी, सीबीआई, एसीबी ने मुकदमे दर्ज किए थे। उनमें पहला नाम है रामकरण मीणा, मुख्य अभियंता क्वालिटी कंट्रोल के पद पर विराजमान, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए की सभी पेयजल परियोजनाओं और उनमें लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी है। दूसरा नाम है दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता विजिलेंस एवं प्रशासन, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं की जांच का जिम्मा और विभाग के 30,000 से ज्यादा इंजीनियर्स और कर्मचारियों के प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी है। दिलीप कुमार गौर, मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन, जिन पर 30,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन योजना की जिम्मेदारी है। केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता ग्रामीण, ग्रामीण इलाकों की 30,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी है। महेश जांगिड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट भरतपुर, एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, अब मुख्यमंत्री के गृह जिले एवं भरतपुर संभाग के सभी बड़े प्रोजेक्ट के मुखिया की जिम्मेदारी। निरील कुमार, अधीक्षण अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट भरतपुर, भरतपुर संभाग के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण स्पेशल प्रोजेक्ट की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। बीएस जाजू, अधीक्षण अभियंता जल जीवन मिशन, 30,000 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजनाओं में अहम जिम्मेदारी। ये सभी वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कांग्रेस के कार्यकाल में महा घोटाले को अंजाम देने के आरोप हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को अब इन भ्रष्ट अधिकारियों में कोई खोट नजर नहीं आ रहा है। स्टाफ होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी को तो उसको काम बदले। जितना हमारे पास इंजीनियर है, ये तो मेरे पास प्रमोशन की फाइल आ रखी है। मैं प्रमोशन खुद इसलिए नहीं कर रहा कि पहले मेरे पास जेईन की भर्ती करूंगा तब दूंगा ना नीचे मेरे मॉनिटरिंग। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि नीचे के कोई मॉनिटरिंग के लिए जेईन ही नहीं है हमारे पास में। 600 जेईन होंगे तब जाके नीचे मॉनिटरिंग हो, कॉन्ट्रैक्टर एक।
अब जहाँ पे पहले एक जयन के पास में केवल एक कस्बा होता था, आज उसके पास में उससे 50 गुना काम बढ़ गया, वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं पड़ता। भ्रष्ट अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग देने के मामले पर भले ही जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का नजरिया कुछ भी हो, लेकिन कार्मिक विभाग के सर्कुलर को देखिए। सभी विभाग अध्यक्षों को जारी किए गए सर्कुलर में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले में सख्त नियम जुलाई 2001 में ही बना दिए हैं। कार्मिक विभाग के नियमानुसार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी सेवकों को फील्ड पोस्टिंग या किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं बिठाया जा सकता। आरोपों की जांच पूरी नहीं होने तक किसी प्रकार के पब्लिक ग्रीवेंसेस वाली जिम्मेदारी ऐसे कार्मिकों को नहीं दी जा सकती। यही नहीं, किसी भी वित्तीय जिम्मेदारी वाले पद पर भी ऐसे कार्मिकों को नहीं लगाया जा सकता है। वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं पड़ता, उसको प्रोग्रेस दे दे कि टारगेट दे के 2024 में आपको जेजीएम पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे पहले 5,000 करोड़ के काम चलते थे, आज उस यहाँ पे 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, तो उसको उसकी उस रेशो के अंदर दोगे ना, मैं कर दूंगा तो नीचे कौन रहेगा। बहरहाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार के जलदाय मंत्री का भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया बदला हुआ नजर आ रहा है। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचारियों के बढ़ते दबदबे से नाराज सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम से सख्त कदम उठाने की अपील की है, लेकिन विभाग के मुखिया का बयान सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वही जयपुर हेरिटेज महापौर के मामले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया। उन्होंने अभी तक पत्रावली मेरे सामने नहीं आई है और जैसे ही मुझे मिलेगा पत्रावली मैं 2 घंटे भी देर नहीं लगाऊंगा, ये बयान दिए हैं। आपको बता दें कि एसीबी ने मामले में अभियोजन स्वीकृति मांगी है। दरअसल 8 महीने पुराना पट्टे जारी करने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें एसीबी ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों नारायण सिंह और अनिल दुबे को 2 लाख की रिश्वत लेते मेयर के ही घर पर ट्रैप किया था। करीब 40 लाख नकद और पट्टे जारी करने की फाइलें जब्त की थी। अगस्त 2023 के रिश्वत प्रकरण की जांच में एसीबी ने मेयर मुनेश गुर्जर को भी आरोपी माना है। तो मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर सुनाते हैं आपको। और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव में मिशन 25 हासिल नहीं करने के बाद अब भाजपा में कलह शुरू हो गई है। भाजपा के नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कतावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सीटें कम मिलने का ठिकरा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सिर फोड़ दिया। वहीं उन्होंने संगठन में टिकटों के वितरण और कार्यशैली को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया है। सुनिए क्या कहा। लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने, ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवां, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। तो वही जैसलमेर के हनुमान सर्किल पर बीजेपी ने प्रदेश के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ उनके बयान के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमाराम चौधरी से माफी मांगने की बात कही।
दरअसल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन को लेकर वर्तमान सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामने आया था, जिसके बाद हेमाराम के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। पुराने नेता है कांग्रेस में हेमाराम जी ने जो अमर्यादा बोले हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी एक साधारण आदमी है, किसान के बेटा है, नॉर्मल गरीब आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, ये उनसे पच नहीं रहा है। मैं हेमाराम जी को पूरी कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि आपको डूब मरना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी मर्यादा से भाषा बोलते हो, हमारे बाढ़ में जैसलमेर में जो अपना पद है वो आपने खत्म कर दिया है। हेमाराम जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अपशब्द कहे उनके बारे में बीजेपी की तरफ से रोका गया। उधर डिडवाना मुख्यालय पर खुले महिला पुलिस थाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। डिडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी आपत्ति ये है कि जिला स्तर पर बहुत सारी जमीन पड़ी है और राज्य सरकार ये कह रही है हमारे पास फंड की कमी नहीं है। 6 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है और वो भी पहले से निर्मित सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है और शिफ्टिंग का भी एक मंत्री आकर उद्घाटन कर रहा है। तो वहीं यूनुस खान के बयान को लेकर बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने पलटवार किया। जोधा ने कहा कि हमारा डिडवाना कुचामन नया जिला बन गया है और जब नया जिला बनता है तो बहुत से विभाग और कार्यालय खुलते हैं, उसी कड़ी में डिडवाना में महिला पुलिस थाना भी खुला है। तो निर्दलीय विधायक यूनुस खान का बयान सामने आया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पुलिस विभाग पर कब्जा करने के आरोप उनकी ओर लगाए गए। राज्य सरकार कह रही है हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। 6 महीने में पहला तो उद्घाटन हुआ है और वो भी जनता की पहले से निर्मित सामुदायिक भवन में उसको शिफ्ट किया है। नया जिला बना है और जब नया जिला बनता है तो बहुत से विभाग और कार्यालय खुलते हैं और उसी क्रम में डीडवाना में महिला पुलिस थाना खुला है। मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को और माननीय एसपी साहब को बधाई देता हूँ कि पूरे राजस्थान में आपने सबसे पहले महिला थाना खोलने का काम किया। दूसरी बात है यहाँ के विधायक महोदय की आपत्ति की, तो देखिए जो सामुदायिक भवन था वो बंद पड़ा था, वो सरकार की संपत्ति और उसमें सरकार का ही महिला थाना खुला है। किसी निजी प्रॉपर्टी पर इस तरह के आरोप लगाना विधायक महोदय ये ठीक नहीं। और अब बात बिजली के लिए इच्छा मृत्यु के मांग की। सुनवाई के आस में हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक चुके लोग आखिर में जिम्मेदारों से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं। ऐसी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन धौलपुर में एक शिक्षक ने जिस वजह से जान देने की ख्वाहिश जताई है वो हैरान करती है। देखिए इस रिपोर्ट में। लाचार हर दरवाजे पर दस्तक दे देकर गया हार, उम्मीदों को मिली उपेक्षा की मार, बुजुर्ग ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। हमने पहले एएनजेएन कलेक्टर साहब को पत्र दिया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद हमने इच्छा मृत्यु प्रधानमंत्री मोदी जी से, राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, भजनलाल से और विद्युत मंत्री से इच्छा मृत्यु मांगी। पीढ़ियों को गढ़ने वाला शिक्षक अगर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाए तो सोचने समझने और शासन प्रशासन के मौजूदा तंत्र पर विचार करने की जरूरत पैदा हो जाती है। लेकिन 72 साल के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को जिस वजह से जान देने की गुहार लगानी पड़ रही है वो आपको हैरान कर सकती है। श्रीमान जी, मई के महीने में दो दो तीन तीन दिन तक हमारी लाइट नहीं आती और उस लाइट को ग्रामीण फीडर से जोड़ रखा है। आप में से कुछ लोगों को जान देने की मजबूरी हैरान कर सकती है। भला ये भी कोई बात हुई कि बिजली नहीं मिल रही तो जान देने की गुहार लगाने लगे। लेकिन जरा सोचिए, जब आसमान से आग बरस रही हो, जमीन तवे की तरह तप रही हो, गर्म हवा फेफड़ों को झुलसा रही हो,
और उम्मीद की कोई सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही तो मौत मांगने के अलावा भला बचता ही क्या है। बिजली निगम की लापरवाही से परेशान भीम सिंह परमार ने हर जिम्मेदार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और सबसे बड़ी और परेशान करने वाली बात ये कि अपना दर्द तो कोई झेल भी ले, लेकिन अपनों को खून के आंसू रोते देख कोई कब तक अपनी जिंदगी से मुंह रख सकता है। बिजली पानी की कमी से लोगों का जीना दूभर कर रखा है। अलवर जिले में पानी के संकट से जूझते 78 साल के वकील ने 5 जून को फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जान देने से पहले रिटायर्ड वकील मोहनलाल ने कई बार जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी। कुल मिलाकर बिजली पानी की कमी ने लोगों को इस कदर हलकान कर दिया है कि उन्हें मौत में मुक्ति नजर आने लगी। कोई फंदे से लटक कर जान दे रहा है तो कोई इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो वहीं पाली के रोहट उपखंड में पानी को लेकर बुरा हाल है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आलम यह है कि जैसे ही टैंकर पहुंचता है लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। उसके बाद क्या होता है इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं पाली के रोहट उपखंड की, जहां पानी के लिए ऐसी ही मारामारी की तस्वीरें सामने आती है। लोग एक मटकी पानी के लिए घंटों लंबी कतारों में टैंकर का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो गांव की जनसंख्या के मुताबिक टैंकर भेजा जाता है, लेकिन हकीकत तो इस गांव के लोग जानते हैं। आरोप है कि ना तो अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं, ना ही जन प्रतिनिधियों को समस्या नजर आती है। पानी बहुत समस्या, तो खारो पानी है, प्यान है नहीं, बसा फेंक रही है बारे मरे रिया बच्चा बेड़ी मर रही, तरह मटी मरे ने पूरी थाक थाक मरे बजे करा कोई पानी पियान है कोई डॉलरी पी लाइन लावा। हर साल गर्मी में इस इलाके से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। कलाली गांव के हालात तो और भी खराब है, जहां खुले पड़े टांके से 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों एक बाल्टी पानी के लिए जुगत लगाते हैं। जिस तरीके से पानी के लिए लोग जंग लड़ते हैं वो किसी हादसे को दावत दे सकता है। पाली से न्यूज 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राशन कार्ड के जरिए बेहद सस्ते दरों पर अनाज मुहैया कराने वाली योजना को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के वार्ड नंबर 48 से आया, जहां पर पीडीएस दुकान पर सोमवार सुबह लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। लोगों ने डीलर पर बदजुबानी और बदसलूकी का आरोप लगाया और ये भी शिकायत की कि डीलर केवाईसी के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड करता है। लोगों ने डीलर पर जबरदस्ती चाय पत्ती बेचने का भी आरोप लगाया। मामले की तिला पर इलाके की पार्षद पति मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना रसद विभाग को दी। अब देखना होगा कि रसद विभाग केवाईसी के नाम पर जरूरतमंदों से पैसे लेने वाले राशन डीलर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती। राशन कार्ड यहाँ पे नहीं, हमारा होना नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, जनवरी हाँ बंदा ना जो मारो नीचे क्यों जा रहा है, एक महीना तो बाहर नहीं निकले। राशन कार्ड जो नंबर आई रहो नीचे निकल दिया, नीचे निकल दिया। मैं चार जना लो जवाब दो नहीं भाई साहब, और केवाईसी करवा रहा 130 रुपए का नहीं मात्रा लो। ये वो राशन कार्ड खुद बोलना है। पहली बात तो ये कि ये दुकान अभिषेक की नहीं है, इसके फादर की थी, तो फादर की अनुसूचना इसको मिली है। फादर के एक्सपायर होने से दुकान मिली है। मैंने शिकायत भी की 4-5 बार इसके लिए कि ऐसा कर रहा है। मैं खुद गया उस समय जब 25 से 30 जने लोग वहाँ बैठे थे, राशन लेना है, तो सबको बोला मैं चाय पत्ती लेनी, ऐसी चीज़ नहीं है, चाय पत्ती आप लोग नहीं लें। फिर उसके सामने मानसी मैडम है, मानसी पांड्या मैडम जो DSO ऑफिस में है, उनको फ़ोन किया, SP का रोम था, सब लोगों ने सुना भी था मेरी बात कि चाय पत्ती लेनी नेसेसरी नहीं है, और चाय पत्ती जो लेना चाहे उसकी मर्जी, जो नहीं लेना चाहे उसकी मर्जी नहीं है। चाय पत्ती खरीदने का दबाव बनाया जाता है और KYC के नाम पर रुपयों की डिमांड भी की जाती है। अब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, देखना है क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।
किसके नंबर घटेंगे? जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने मंथन पूरा कर लिया है, लेकिन मंथन के बाद सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम का असर मंत्रियों और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला भी करेगा। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रही, वहां के मंत्रियों के सरकार में नंबर बढ़ने तय माने जा रहे हैं। तो जहां पर पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने नतीजों के 10 दिन बाद चिंतन मंथन करके अपनी रिपोर्ट आलाकमान को देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में ये चर्चा है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2014 और 2019 की तरह बढ़त बरकरार रखी है, वहां से चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। पर जहां बढ़त कम हुई है या कांग्रेस ने सीट जीती है, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने हर मंत्री को एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था, साथ ही जिम्मेदारी दी थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भी बढ़त दिलाए, मगर बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला और पार्टी 25 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई। आइए एक नजर डालते हैं कि किस मंत्री के इलाके से क्या परिणाम रहा भाजपा का। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। श्री गंगानगर मंत्री सुमित गोदारा, प्रियंका बैलान चुनाव हार गयी। गोदारा के क्षेत्र लूंड करंसर से अर्जुन मेघवाल चुनाव जीते। चूरू मंत्री अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया चुनाव हार गए। गहलोत के क्षेत्र से महिमा सिंह जीती। सीकर गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद बुरी तरह से चुनाव हारे। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी जीते। जयपुर ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह हारते हारते जीते। दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को नहीं जीता पाए। जयपुर शहर जोगाराम पटेल, मंजू शर्मा की जीत का श्रेय जोगाराम के खाते में। लूनी में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई। पुष्कर में भागीरथ चौधरी जीते। भरतपुर संजय शर्मा, राम स्वरूप कोहली चुनाव हारे। अलवर शहर में भूपेंद्र यादव को बड़ी बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। करौली धौलपुर जवाहर सिंह बेढ़म, इंदु जाटव बुरी तरह चुनाव हारी। राम स्वरूप कोहली को भी नहीं जीता पाए। दौसा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल मीणा की बुरी तरह हार हुई। झोटवाड़ा से राव राजेंद्र सिंह को जीत दिलाने में कामयाब रहे। टोंक सवाई माधोपुर मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया बुरी तरह चुनाव हारे। रामगंज मंडी से ओम बिरला को बढ़त दिलाई। नागौर कन्हैया लाल चौधरी ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। सुखबीर जौनापुरिया भी बुरी तरह हारे चुनाव। ये रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर बीजेपी संगठन में तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान के सामने पेश की जाएगी। ये राजस्थान में लोकसभा चुनावों में जो परिणाम निकल कर आए उसकी समीक्षा के लिए जैसे पार्टी की एक हर समय की पद्धति रहती है, हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार दो दिन हमने मंथन किया। भजनलाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद ये माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल हुई है, इसीलिए मंत्रियों में बेचैनी देखी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब बात बिजली पर हंगामे की करेंगे। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग गर्मी के साथ साथ पावर कट की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं। कहीं प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की है, तो कहीं
मांग को लेकर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिजली कट से परेशान लोग आखिर करें भी तो क्या करें, विरोध जाहिर करने के लिए प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। बात दौसा की करें तो यहां बिजली के साथ साथ लोग पानी की समस्या से भी दो चार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर 5 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दिया है, बिजली की भारी कटौती को देखते हुए हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्योंकि रात को 11 बजे से 2 बजे तक लाइट काट दी जाती है। बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों के बीमार होने की शंकाएं हैं। तस्वीरें जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र के सोयला की हैं, जहां बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। गांव वालों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से बिजली कटौती हो रही है, जिसके बाद गुस्साए गाँव वालों ने धरना प्रदर्शन के साथ बिजली घर का घेराव भी किया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के ज्यादातर गांव बिजली कटौती से परेशान हैं। बबाई में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने रात को बिजली पावर हाउस का घेराव करते हुए धरना दिया। रात 9:30 बजे बबाई के पावर हाउस पहुंचे ग्रामीणों ने 3 बजे तक धरना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद गाँव वाले वापिस घर लौटे। एक तरफ लोग विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिरोही में सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में बिजली कटौती अपने आप में बड़ी समस्या है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों की समस्याओं पर जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और बिजली कटौती से परेशान लोगों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और अब बात हिट एंड रन की। इससे जुड़ी 2 मामले सामने आए हैं और पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई, जहां पर फुटपाथ पर सो रहे राजस्थान के 8 मजदूरों को कार ने कुचल डाला। इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 5 की हालत गंभीर है। दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उदयपुर से है, जहां ऑडी कार ने DIG के बेटे समेत 2 को उड़ा डाला। साथ ही इस कार ने 4 ठेलों और 5 वाहनों को भी चपेट में ले लिया। तो अलग अलग तस्वीरें, हादसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले, जहां पर हिट एंड रन नागपुर। पहली तस्वीर, कार ने 8 मजदूरों को कुचल डाला जिनमें से 2 की मौत हो गई। ये सभी राजस्थान के रहने वाले थे जो नागपुर में मजदूरी किया करते थे। दूसरी तस्वीर उदयपुर से, जहां पर बेकाबू ऑडी कार ने 2 लोगों को कुचल डाला और इतना ही नहीं कई ठेलों को भी अपने चपेट में ले लिया। अब इन दोनों हादसों पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूरी है कि इस तरीके के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर PTI परीक्षा में खुद की जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाले एक और कैंडिडेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ASP संजय चंपावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर निवासी ज्ञानाराम पुत्र जैसाराम जाट है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ज्ञानाराम ने 10 लाख रुपए दिए थे, तो पुलिस आरोपी से पूछताछ कर भी रही, अभी और भी खुलासे होंगे। एडिशनल SP संजय सिंह चंपावत के रीडर प्रभु लाल ने बताया कि 5 अप्रैल को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में 2 आरोपी डमी कैंडिडेट और एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले फलोदी जोधपुर निवासी कैलाश और बांसवाड़ा निवासी राकेश मेदा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक अन्य कैंडिडेट और उनकी जगह बैठने वाले डमी कैंडिडेट्स की पुलिस की ओर से तलाश जारी है। तो मामले में जहां 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, वहीं पुलिस को एक और सफलता मिली है और पुलिस ने एक और मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वांछित मुलजिम ज्ञानाराम पिता जैसाराम जाति जाट निवासी नागाना जिला बाड़मेर को आज गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को बाद तफ्तीश 5 यौम जैसी पीसी रिमांड हेतु माननीय न्यायालय
अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के पेश किया जाएगा। बात प्राप्त कर बीसी रिमांड मुलजिम से तस्दीक मौका और अन्य साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए आठ की फाइट। नमस्कार।